अगली खबर देश की राजधानी दिल्ली से है, जहां बस में अगर आप सफ़र करते हैं तो आपको थोड़ी राहत आने वाले वक्त में मिल सकती है। दरअसल डीटीसी बसेज में सफ़र करने वाले दिल्लीवासियों के लिए अब एक कदम सरकार की तरफ से उठाया जा रहा है। सरकार कुछ दिनों के अंदर ही 1000 नई बसेज सड़क पर उतारने जा रही है। दिल्ली में डीटीसी बसों की किल्लत की वजह से लोगों को अक्सर परेशानी झेलनी पड़ती है। दिल्ली में बस से सफर करने वाले लोगों की जो बड़ी शिकायतें हैं, उनमें बसों की किल्लत और मौजूदा बसों के बिना वक्त चलने को लेकर है। हाँ, रोड की भी दिक्कत है और वैसे भी बस के सर्विस बढ़ने से ये होगा कि लोगों को सीट मिल पाएगी। डीटीसी की बसें होती है ना, वो टाइम पे चलती नहीं है कहीं पे भी। बस बहुत लेट आती है, एक एक घंटे में दो दो घंटे में बस आती है, तो बहुत बुरा हाल है। मतलब वो स्थिति नहीं है जो मतलब होनी चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बड़ी भागीदारी निभाने वाली डीटीसी बसों की किल्लत दूर करने के लिए जल्द ही 1000 नई बसें उतारने जा रही है। तय प्लान के मुताबिक इन क्लस्टर बसों को निजी कंपनियां चलाएंगी। हर रूट पर आधी सरकारी और आधी क्लस्टर बसें चलेंगी। फिलहाल दिल्ली में 1648 क्लस्टर बसें चल रही हैं। 1648 जो बसें हैं वो कॉमनवेल्थ के टाइम पर क्लस्टर बसें आई थी, लेकिन वो काफ़ी ख़राब होने के बाद में दिल्ली को काफ़ी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दिल्ली को 11000 बसों की दिक्कत है, लेकिन दिल्ली के जो डीटीसी का बेड़ा है उसके अंदर 5600 बसें ही मात्र हैं। ऐसे में दिल्ली की सड़कों पर जो यात्री हैं उनको काफ़ी देर तक इंतजार करना पड़ता है। हालांकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की परेशानी झेल रहे दिल्ली वालों के लिए दिल्ली सरकार की यह पहल थोड़ी राहत ज़रूर देगी। वीडियो जर्नलिस्ट अजित यादव के साथ राम कुमार, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।